Hello from Disneyland. So hello ji, welcome back to a new vlog. My name is Prateek and I'm Himanshi. And we are in Hong Kong, जैसा आपने हमारी पुरानी videos में देख रखा है. So आज का हमारा plan है to go to Hong Kong Disneyland, which is one of the oldest Disneylands in the world. और ये बहुत ज़्यादा excited है उसके लिए. So we thought we'll share this entire experience with you. So हम लोग रुके थे Causeway Bay area में in Hong Kong, जो आपने हमारी videos में देखा होगा. So यहाँ से हम अपनी journey start करेंगे to go to Disneyland. और पूरी जर्नी कैसे कैसे जाना है, सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे. हमारा पूरा एक्सपीरियंस एंड टू एंड अबाउट विजिटिंग हांगकॉन्ग एंड डिज्नीलैंड इन 2024. तो ये जो है ना, बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट 2 या 3 लेवल हम नीचे आए हैं. मतलब काफ़ी डीप बना रखा है इन्होंने. और उससे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हम लोग अभी एक आइलैंड पे हैं, कॉजवे पे. बेसिकली आइलैंड एरिया में है, हांगकॉन्ग आइलैंड पे. यहाँ से अभी हम मेनलैंड जाएंगे. और मेनलैंड जाने के लिए भी आप मेट्रो से ही जा सकते हो अंडरग्राउंड. एंड दिस इज़ नेक्स्ट लेवल. यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तो यार मतलब आई थिंक इट फील्स लाइक एज इफ वी हैव ट्रैवल्ड, यू नो, ट्रैवल्ड इन टाइम. ऑलमोस्ट 20-30 साल आगे चले गए हैं. बहुत ही नेक्स्ट लेवल बना रखा है इन्होंने. और यहाँ पे जितने भी MTR स्टेशन हैं ना, जो अंडरग्राउंड बने हुए हैं, वो इतने ज़्यादा अंदर ही अंदर, आप इतना ज़्यादा कनेक्टेड है ना कि हम पिछले ऑलमोस्ट 0.5 किलोमीटर से तो अंदर ही अंदर वॉक किए जा रहे हैं. अभी भी हम स्टेशन की तरफ नहीं पहुँचे हैं. यहाँ पे लोग चाहे जितनी भीड़ हो, एस्केलेटर्स में लाइन लगा के ऊपर जा रहे हैं. लेफ्ट साइड खाली रखी है सो दैट एनीबडी वॉन्ट्स टू रश तो लेफ्ट वाले से ऊपर जा सकते हो. वी हैव फाइनली गॉट डाउन एट सेंट्रल. यहाँ से आप देखोगे हर तरफ बोर्ड लगा हुआ है, पिंक कलर का बना हुआ है डिज्नीलैंड का, टमचंग स्टेशन पे. तो हम अभी स्ट्रेट उसी तरफ जा रहे हैं. तो जी फाइनली हम आ चुके हैं अपनी ट्रेन के अंदर. और ये ट्रेन आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है, हम चढ़े हैं इस तरफ से हांगकॉन्ग से. और आपकी जो ट्रेन जो आपको एयरपोर्ट से लेके आती है, एयरपोर्ट एक्सप्रेस, वो भी आपको हांगकॉन्ग की साइड ही उतारेगी. सेंट्रल से यू हैव टू वॉक कम टू हांगकॉन्ग. और यहाँ से आपकी येलो लाइन है, यही हर जगह बोर्ड पर लिखा हुआ है, आपने देखा येलो लाइन है, जो आपको लेके जाएगी तुंगचुंग तक. और तुंगचुंग से पहले ही सनी बे पे आपको उतर जाना है. और वहाँ से देखो मेंशन है कि डिज्नी रिजॉर्ट लाइन चलती है, वो हमें लेना है. इजी पीजी. गूगल मैप का भरोसा मत करना. गूगल मैप पे हम डाल रहे थे तो कुछ भी दिखा रहा था. आर यू एक्साइटेड? यस आई एम एक्साइटेड. मार पड़ी किसी को. यस आई एम एक्साइटेड. जी हम उतर गए हैं यहाँ पे एट सनी बे MTR स्टेशन. उतरते ही सेम प्लेटफॉर्म पे ही है, बस दूसरी साइड से जाएगी हमारी ट्रेन डिज्नीलैंड रिजॉर्ट के लिए. लोग अपने सूटकेसेस लेके आए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे स्टे भी होता है. तो अगर आप एक्सटेंडेड ट्रिप के लिए हो तो आप स्टे भी कर सकते हो डिज्नीलैंड रिजॉर्ट में. बच्चे अगर आपके हैं तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा स्टे करने में. तो जी अब मेरे पीछे देखो, यहाँ पे मिकी माउस की कान बनी हुई, मिनी माउस, मिकी माउस जो भी. तो ये ट्रेन इसलिए फेमस है क्योंकि ये पूरी की पूरी डेकोरेटेड है, स्पेशली चलती है फ्रॉम सनी बे रिजॉर्ट टू सनी बे टू डिज्नीलैंड रिजॉर्ट. How big and how beautiful this entire thing is. इतना सही बना रखा है लोगों ने. Let's see, कितना बटा हमारा 27. हमारा सिर्फ पूरी जर्नी का $27 कटा है हमारा. सब अपना सूटकेस लेके घूम रहे हैं यहाँ पर. वी आर नॉट दी ओनली वन. हर एक के हाथ में सूटकेस है. तो अगर आपको डिज्नीलैंड के अंदर नहीं भी जाना है तो भी आप सिर्फ यहाँ आके पिक्चर्स क्लिक करवा के जा सकते हो. आपको गेट तक का एंट्रेंस मिल जाता है. इनफैक्ट आई थिंक थोड़ा अंदर तक भी जा सकते हो आप, एंड देन यू कैन लीव. तो यहाँ से एंटर करते ही ना, यहाँ पे एक लगेज काउंटर है जहाँ पे आप अपना सूटकेस वगैरह छोड़ दोगे. थोड़ा सा एक्सपेंसिव ऑप्शन है. ईच आइटम का यू हैव टू पे $140 यहाँ पर मैंशनड है. एंड कोई भी साइज़ हो यू स्टिल हैव टू पे 140 एंड दे गिव यू स्लिप जिससे आप 10:30 से पहले कलेक्ट कर सकते हो उसको. ओके जी चले जी चले जी.
सो राइट नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द टिकट काउंटर. एक बार पता करते हैं कि यहाँ से अगर आप टिकट लेते हो डायरेक्टली और उसमें और क्लूक में कितना डिफरेंस है. तो जी हमने एंट्रेंस पे सिक्योरिटी चेक कराया, कराते ही एकदम स्ट्रेट यहाँ पे टिकट काउंटर बना हुआ है. प्राइसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं वैसे. सो प्राइसेस आर जनरल एडमिशन टिकट टीयर वन 639 हांगकॉन्ग डॉलर, टीयर टू इज 719. सो देयर इज नो डिफरेंस इन एनी टीयर. इट्स जस्ट हाउ दे फ्लक्चुएट द प्राइस ऑन देयर ओन. सो टुडे इज चाइनीज न्यू ईयर, दैट्स व्हाई इट्स ओनली टीयर 4 व्हिच इज 879. तो अगर आप क्लूक से बुक करते हो, अगेन नॉन स्पॉन्सर्ड, अगर आप क्लूक से बुक करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा. यहाँ आके लोगे तो यू विल गेट द फिक्स प्राइस दैट दे हैव. अपने हिसाब से ये लोग प्राइस जो है फ्लक्चुएट करते रहते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स अम्यूजमेंट पार्क है एंड वीकेंड है तो ऑप्शन होगा ही उनके पास. ऊपर से चाइनीज न्यू ईयर है आज, चाइनीज न्यू ईयर है तो आज के रेट तो होने सोने पे सुहागा हो गया. ले लिया हमने क्लूक से टिकट अंदर जा रहे हैं. और क्लूक से लेने का फायदा ये है कि आपको यहाँ पे फिजिकल टिकट नहीं लेनी पड़ेगी. जो आपके पास क्लूक से टिकट मिलती है उसी में बार कोड होता है, वो आपको यहाँ पे आके डायरेक्ट स्कैन करना होता है. सो इट बिकम्स रियली ईजी. सो हमें एंट्रेंस पे ही ये मिला है, विच वी बोथ डोंट नो व्हाट इट मींस. ओ वाओ, धूप हमारे ऊपर है तो मुझे नहीं पता कितना साफ से नज़र आ रहा होगा, बट ये हमारा एंट्री हो चुकी है डिज्नीलैंड के अंदर ऑफिशियली. ओ जी वेलकम टू हांगकांग डिज्नीलैंड. अनबॉक्सिंग करो इसकी फटाफट. ओह दिस इज फॉर चाइनीज न्यू ईयर. इट्स अ चॉकलेट. ओह वाओ, इज इट अ चॉकलेट और इट्स अ कॉइन. इट इज अ चॉकलेट. आई मीन इट लुक्स लाइक अ कॉइन बट इट्स द चॉकलेट दैट वी यूज टू ईट बिकॉज़ ऑफ चाइनीज न्यू ईयर. आई डोंट नो ये अदरवाइज देते हैं कि नहीं. इट्स अ चॉकलेट गोल्ड कॉइन. Tell me you are in Disneyland without telling me you are in Disneyland. Do you know every year Disneyland sells 3 lakh of these? Although मुझे ऐसा लगता है कि 3 lakh से ज़्यादा ही होंगे, but that's the actual figure that they have said. So basically अगर आपको पता होगा तो Disneyland इन्होंने एक छोटी सी यहाँ पे सिटी बना रखी है, बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया हुआ है चारों तरफ. ये यहाँ पे Disneyland City Hall एंड इसके बगल में Disneyland Fire Department. और ऐसे लगेगा जैसे कि आप एक छोटे से टाउन में चल रहे हो. चारों तरफ इट्स वेरी मच डेकोरेटेड और एक म्यूज़िक बजता रहता है विच इज़ आई बिलीव स्पेसिफिकली फॉर चाइनीज़ न्यू ईयर. यहाँ पे बहुत सारे लोग चाइनीज़ न्यू ईयर के डेकोरेशन में भी, मतलब वो गेटअप में भी हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं. यहाँ पे आपके पीछे वो डिज्नीलैंड फायर डिपार्टमेंट था. ये मार्केट एरिया है, उस तरफ सिनेमा है, देन यू हैव लॉकस्मिथ, देन यू हैव जनरल स्टोर. सो इन्होंने बेसिकली पूरा का पूरा काइंड ऑफ अ छोटी सी सिटी बना रखी है यहाँ पे. दिस गिव्स अस द एग्जैक्ट वाइब्स दैट वी गॉट एट बाना हिल्स. तो अगर आपको यहाँ पे पिक्चर क्लिक करानी है सो यू हैव टू वेट इन लाइन फॉर एटलीस्ट हाफ आवर बिकॉज यहाँ तो नहीं मिल पाएगा आपको जगह. इमेजिन लोग इतने लंबे लाइन में लगे हुए हैं जस्ट टू गेट अ पिक्चर क्लिक्ड ओवर हेयर विच इज़ बेसिकली फॉर द चाइनीज न्यू ईयर. This is crazy, yaar. If you have grown up watching Disney movies, then I think you'll be very nostalgic when you come here. Look, it's moving. How cute. Oh, it's such a huge store, yaar. My God. A lot of options. So you can take a band and you can add in as many of these as you like, make something and then go to checkout counter and buy this. Jaise ye bana hua hai. If it's your birthday, you can wear this. So this Starbucks, I think, is the only Starbucks which is focused on Disneyland. So ye Starbucks mein aapko sari aapke decorations और जो आपकी कप पे आप भीड़ देखो यहाँ पे पहले कितनी ज़्यादा है. और आपको जो स्टारबक्स का मग भी मिलता है ना यहाँ पे कप, उसमें भी पूरा डिज्नीलैंड का डेकोरेशन हो रखा है. और यहाँ पे आप भीड़ देखो यार, मीन सिर्फ ऑर्डर करने के लिए इतने सारे काउंटर्स हैं और इतनी ज़्यादा लोग यहाँ पे खड़े हैं इस वक्त. तो यहाँ पे मिकी माउस या मिनी माउस जो भी है उसकी शेप का वॉफल मिल रहा है यहाँ पे. और देखते ही इसके मुँह में तो आ गया पानी. उन्होंने बोला जी चलो ट्राई किया जाए. थैंक यू सो मच. देखिए दिस इज व्हाट यू गेट फॉर $70. नॉट बैड. हम नीचे के बैठे हैं. देखो देयर इज नो प्लेस टू सिट. सब नीचे ही बैठे हैं.
Everybody is just sitting on the floor. How's it? Not bad. Good. आज चाइनीज न्यू ईयर के चक्कर में कितनी ज़्यादा भीड़ नहीं है जितना हमने एंटिसिपेट नहीं किया था उससे ज़्यादा ही है। आई थिंक रोज़ ही होती है इसमें तो। बट यार नो डाउट इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रखा है एंड यू कैन ईजिली कम एंड स्पेंड लॉट ऑफ टाइम हियर। So this is the spot where you'll see a lot of people taking pictures. अभी sunset का time हो रहा है इसलिए जो sun है वो directly opposite this castle. So that's why you'll not see a very clear shot. But अगर आप यहाँ पर walk कर रहे हो ना then I'm 100% sure आप बहुत लोगों की photos ख़राब करने वाले हो। तो जी इसके just जो धूप है वो इसके just पीछे है उस चक्कर में we are able to click some pictures. अभी मौसम बहुत अच्छा है इसलिए और मज़े आ रहे हैं बट अगर आप गर्मी में आओगे ना तो हो सकता है आप शायद इतना एंजॉय ना कर पाओ। जी सो फाइनली वी आर इन डिज्नीलैंड जो हमने इतने दिन से प्लान किया एंड आई एम सो सो एक्साइटेड टू बी हियर। जस्ट टेकिंग अ वॉक सो टमोरो लैंड करके उधर राइड है एक बट वो ऐसा मेरी गो टाइप है सो काफ़ी बड़ा बना रखा है इन लोगों ने ओवरऑल यहाँ पे आप देखोगे ना दिस इज़ लाइक रियली रियली बिग देयर लॉट ऑफ राइड्स एक ट्रेन भी चलती है यहाँ पे जो हम अभी खैर अभी नहीं ले रहे हैं विल टेक इट मे बी लेटर सो अपेरेंटली दिस इज़ द क्यू इफ यू वॉन्ट टू गेट पिक्चर क्लिक्ड विद द प्रिंसेस आई डोंट नो If I'm calling it right, I think she is princess. Bechari. Oh my God, what is this? So यहाँ पे देखो लोग लाइन में खड़े हैं सिर्फ यहाँ पे ये पिक्चर क्लिक करने के लिए तो जी हमें वॉक करते करते यहाँ पे कुछ तो नज़र आया है She wants to go have a look. This is called hyperspace mountain. So I'm not sure, Manu, if this is all included in the ticket. बड़ा अंदर जाके पता चलेगा What did I pay for? हाँ because हमने तो tier 4 pay किया है आज because of Chinese New Year. तो जी यहाँ पे आप line देख सकते हो कितनी ज़्यादा लगी हुई है काफ़ी ज़्यादा crowded है but हम लोग भाग भाग के जा रहे हैं अंदर But I think इतनी भी भीड़ नहीं है मानो काफ़ी जल्दी जल्दी घुस जाएंगे तो ये हाइपर स्पेस करके राइड है तो जी ऑलमोस्ट हम मेरे ख्याल से 20 मिनट से तो खड़े हैं यहाँ पे 20 मिनट हो गए 5:25 पे स्टार्ट किया था 5:50 हो रहे हैं 20-25 मिनट के आसपास हो गए और हम ऑलमोस्ट सेकेंड लाइन तक आ चुके हैं तो अब देख लो कितनी ज़्यादा भीड़ है अभी यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ है तो हमें दो वाउचर मिले हैं बेसिकली वन इज फॉर फूड जिसमें आपको पॉपकॉर्न पे डिस्काउंट मिलता है द अदर इज मर्चेंडाइज ऑफर कि $350 का आप स्पेंड करो एंड देन यू गेट अप्रॉक्सीमेटली 35 ऑफ बट मर्चेंडाइज हम लोग कुछ खरीद नहीं रहे हैं बट यू हैव टू ईट पॉपकॉर्न देख रहे हो आज तुम सिर्फ पॉपकॉर्न खाओगे जी वी आर ऑलमोस्ट देयर वो यहाँ पे काउंटिंग हो रही है जितने लोग मूवमेंट कर रहे हैं वहाँ पे नंबर काउंट हो रहा है कि कितने लोग घुस रहे हैं हाउ मच इज द नंबर राइट नाउ इट सेज 6468 यानी सुबह से 6500 लोग अंदर आ चुके हैं ऑलमोस्ट इट्स गोना लुक लाइक दिस That's why there is no phone or any cameras allowed because we'll be looking like that. To prepare for launch, pull down on the lap bar in front of you. Okay, so this is like a roller coaster. Oh God, मैं वही कर लेता भाई. मैं इधर क्यों आया? I
I think we took it quite lightly. My, it was quite good. हमें लगा था कि यार छोटे छोटे बच्चे अलाउड हैं कितना ही होगा but it was good. Oh man, I was not expecting that. पहले बहुत स्लो था but then suddenly it picked up and I'm like, जो अंदर की ये राइड थी ना, I have no words to explain. पहले हमने बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया बट बाद में जाके पता चला यार ये तो मतलब सडन लाइक 2 मिनट्स का एक इतना ज्यादा तेज अंधेरे में वो लेके गया ना राइड यार, तो पता चल गया कि ये बेस्ट राइड क्यों है यहाँ पे. और मेरे को हंसी आ रही है, मेरे से आगे एक छोटा सा बच्चा था वो बैठा हुआ था, मैंने सोचा यार वो बच्चा है तो ऑब्वियसली बच्चों के लायक ही होगा. उसके बाद उस बच्चे की मैंने शक्ल देखी उतरने के बाद, अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा रिग्रेट वो इस राइड पर आने का कर रहा था, पता चल रहा था. बहुत क्रेजी था, बहुत मज़ा आया हमें. तो जी हम वॉक करते करते आ गए हैं जस्ट कैसल के एंट्रेंस पे. आप मेरे पीछे देखोगे ये पूरा का पूरा कैसल है और अब हम आराम से आ गए हैं यहाँ पे वॉक करते हुए. तो अपेरेंटली कैसल के अंदर तो कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ पैसेज. हाँ, अंदर से आप क्रॉस करके अंदर की तरफ जा सकते हो. वैसे देखने में लग रहा होगा कि आप ऊपर क्लाइंब कर सकते हो बट ऐसा कुछ नहीं है, बट डैन नरेमेंट वाला जो है ना जॉटफेयर वाला उसमें आप ऊपर तक जा सकते हो. बट एनीवेज व्हाट विल डू इज विल क्रॉस दिस एंड गो इनसाइड. हम अंदर आ गए बस. सो बेसिकली दिस इज मोस्ट ओके. सो ये सुविनियर और वैसा कुछ खरीदने की स्टोर बना रखा है इन्होंने कैसल के अंदर. वैसे ही आप एंट्री करोगे आपके लेफ्ट साइड पे. I want a genie. And guess how much this, is this for? This better gets me a genie. So this is 268,000 dollar. Hong Kong dollar. तो भैया ये 28 लाख रुपए का है. This better get me a genie out of this. चलो जी, 28 लाख उसके पास भी मत जाओ आप. इससे दो कदम दूर रहो प्लीज. This way to Adventure Land. What is this Adventure Land? चलो जी. The same rides and everything. यार ये तो बड़ा सुंदर लग रहा है यार. है ना? This is nice. Oh, we can do that ride. I don't want to do anymore. Arey, no, no, it's not scary. It's cute. What ride is it? Jungle Safari. जिसमें उन्होंने ऐसे fake animals बना रखे हैं. अरे तो मैं कंचनापुरी जाके करूँगा ना original safari. Fake animals. I wish I was young enough to do this one. I really love it. You know what I want to do? I want to grab a chair and sit. वो क्या बनाया उन्होंने? कुछ ऐसा पहाड़ के ऊपर ऐसा अलग सा कुछ लग रहा है ना? I'm telling you, it's that jungle जो बनाया उन्होंने. Basically, Hong Kong ही ऐसे पहाड़ी रस्तों पे पूरा का पूरा बसा हुआ है. तो यहाँ पे Disneyland के पूरे backdrop में पहाड़ी पहाड़े हैं और अगर आप विंटर्स में आते हो तो भैया प्रॉपर ठंड होगी यहाँ पे. अभी इतनी ज़्यादा ठंड है तो इमेजिन वैसे कितनी ज़्यादा ठंड होगी. ज़्यादा लाइन नहीं है इसकी, जा सकते हो. दिस इज कॉल्ड डम्बो द फ्लाइंग एलिफेंट. इट्स अ डिज्नी कैरेक्टर. थैंक यू. सो वी हैव कम टू डिज्नीज ओल्ड फैंटेसी लैंड कॉन्सर्ट हॉल. ये एक लौता एरिया था जहाँ पे लाइन नहीं लगी थी एंड दे हैव गिवन अस अ 3D ग्लास. सो वी थॉट व्हाई नॉट. लोग कैसे भाग के जा रहे हैं. प्रॉपर हॉल बनाया हुआ अंदर. द क्रेज ऑफ डिज्नीलैंड इज रियल. लाइक लोग सच ही पागल हो जाते हैं यहाँ पे आके. देयर इज अ डिफरेंट एनर्जी. ओपेरा टाइप हाउस बना रखा है. हां, यू हैव टू फिगर आउट सीट्स. लाइक इधर इधर मानो कम है. तो ये हालत हो गई है. सो वी आर एक्चुअली इन अ इट्स दिस इज लाइक अ कंसर्ट हॉल. बहुत बड़ा सा हॉल बना रखा है इन्होंने. और ये इस पर बाहर की तरफ तो कोई लाइन नहीं था बट लकीली जैसे ही हम अंदर आए गेट्स खुल गए एंड वी फाइनली गॉट अ चांस टू गेट इन वेरी क्विकली. पुराने वाली राइड का तो आपने देखा ही. 45 मिनट्स वेट किया बट इसमें तो कोई वेटिंग नहीं थी. I'm feeling dizzy.
10 मिनट बचे हैं लाइट एंड साउंड शो में और आप हमारे पीछे देख सकते हो भाई सब बैठ गए हैं और इन लोगों ने मतलब ऐसा कुछ अनाउंसमेंट हुई है कि अब सब खड़े हो जाएंगे जैसे ही साउंड शो शुरू होगा तो ऐसे किसी का ब्लॉग व्यू ना आए और फिर भागेंगे बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, अब ठंड बढ़ गई है एंड बहुत थक भी गए यार, पूरा दिन यहाँ पे स्पेंड कर लिया बट ईजिली अभी भी मुझे लग रहा है कि यार हम लोग कुछ राइड्स और कर सकते हैं बट मेरी बैग जवाब दे गई है, हो गया है मेरा। लाइट शो तो बहुत नेक्स्ट लेवल था, मतलब बहुत मज़ा आ गया, इतना क्राउड था आई स्वेयर, बट सब ऑर्गेनाइज क्राउड था तो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्लेस। लगेज पिक करेंगे और भागेंगे यहाँ से बिकॉज भूख लगी है एंड देन हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। दैट वाज ऑल, दैट वाज द एक्सपीरियंस फ्रॉम डिज्नीलैंड। आई होप आपको अच्छा लगा है, आई होप आपको हमारा कैमरा भी अच्छा लगा है, तो उसका अगर रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताओ एंड डिज्नीलैंड के बारे में कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हो। हमारा एक्सपीरियंस ऑनेस्टली बहुत अच्छा था, आई रियली लव्ड इट। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सब बोल दिया मैंने तुम्हारे हिस्से का, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर यहाँ तक देख लिया है, सो विल सी यू वेरी वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय बाय।